फैट लॉस करते हुए एक बड़ा सवाल ये भी आता है, फैट बर्नर्स का क्या रोल है। बहुत सारे लोग जब डाइट लेते हैं ऐसा बोलते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है वो भी रिकमेंड कर दें, कोई फैट बर्नर कैप्सूल दे दें या कोई फैट बर्निंग सप्लीमेंट दे दें जिससे फास्ट रिजल्ट्स आए। तो बात करते हैं क्या फैट बर्नर्स एक्चुअल में काम करते हैं या वेस्टेज ऑफ मनी है, या फैट बर्नर्स के बिना भी आप फैट बर्न कर सकते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू लक्ष फिटनेस, मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य मक्कड़। आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस करते हुए फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना क्या आप फैट बर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट बर्नर्स के अंदर होता क्या है। दो ही एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, कैफेन होता है उसके अंदर, एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, बाकी और भी चीजें होती हैं बट कैफेन का ज्यादा रोल है। आप वर्कआउट करने से पहले जब कैफेन को लेते हैं आपकी हार्ट रेट थोड़ी फास्ट होती है, आपको एनर्जाइज करता है, आपको वर्कआउट करते हुए थ्रू आउट द वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आप थोड़ा ज्यादा आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, आपने डाइट की ऐसी तैसी फेरी हुई है, फैट बर्नर खा के वर्कआउट किया आपने दो दो घंटे और आके आपने पिज्जे बर्गर उधेड़ रखे हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सीधी सी बात है, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। फैट बर्निंग सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं एक एड ऑन है, अगर आप उसे अपनी डाइट में एड करते हैं तो साथ ही साथ आपका जो न्यूट्रिशन है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि 10% आपको पुश दे देगा, बट अगर आपका न्यूट्रिशन ऑल ओवर डे का सही नहीं है तो आप फैट बर्न नहीं कर सकते, आप अच्छी शेप में नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स लेते हैं पर फिर भी उनका कुछ नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, सारे दिन का डाइट ठीक नहीं है, सारा दिन आपने गंद कबाड़ खाना है, फिर आप फैट बर्नर खा के कहां से फैट बर्न कर लेंगे। तो यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैट बर्निंग अगर सप्लीमेंट लेने हैं आपने एक अच्छी ऑथेंटिकेटेड प्लेस से ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो डाइट और वर्कआउट आपके लिए अच्छी इक्वेशन है जिससे आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। कोई भी फैट बर्निंग सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, हर चीज ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आपकी हाइड्रेशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आपके स्लीप साइकिल्स अच्छे होने चाहिए, आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो जाके आप एक अच्छी शेप में आ सकते हैं, अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं, नहीं तो फैट बर्निंग सप्लीमेंट ने कुछ नहीं करना। बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि फलाने बंदे ने फैट बर्निंग सप्लीमेंट से अपना 20 किलो वजन कम कर लिया, उनसे जाके पूछे उन्होंने डाइट क्या ली थी, अगर फैट बर्निंग सप्लीमेंट यूज किया तो साथ डाइट भी अच्छी रखी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल फैट बर्निंग सप्लीमेंट ने कुछ कर दिया, किसी कैप्सूल ने कुछ कर दिया, आपको जो है न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, वर्कआउट ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा। फैट बर्निंग सप्लीमेंट खा के लेटे रहो वहां पे जाके फैले रहो, कुछ नहीं होने वाला। न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, वर्कआउट ऑन पॉइंट है तो जाके कोई सप्लीमेंट जरूर कुछ करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे राइट न्यूट्रिशन और राइट वर्कआउट की गाइडेंस चाहते हैं, 1000 पर मंथ हमारे चार्जेस हैं, आपको डाइट से और वर्कआउट से गाइड किया जाएगा। आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर हमारे साथ इस नंबर से, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ डाल दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे उन दोस्तों के साथ जो बेड पे लेटे हुए ऐसे बोलते रहते हैं कि जब मर्जी हम फैट बर्न कर लेंगे, सप्लीमेंट आए होते हैं मार्केट में उसे फैट बर्न कर लेंगे, उनको कहो कुछ करके दिखाओ, पहले जिम जाके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। उनके साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उस पर्सन को टैग कर दीजिए जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हमें फॉलो कर दें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।